वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आज हम लोगों को सबसे पहला प्रोसेस देखना है, दैट प्रोसेस इज फीचर ऑफ प्लानिंग। ठीक है, हाउ वी विल डिसाइड अपॉन दैट व्हाट इज द फीचर ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का क्या क्या फीचर होता है, हम लोगों को इसके बारे में पढ़ना है। कल तक हम लोगों ने इम्पोर्टेंस तक पढ़ लिया था प्लानिंग का, कि प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है। अब हम लोगों को फीचर्स देखने हैं कि प्लानिंग का क्या फीचर होता है। ठीक है, पहला फीचर प्लानिंग का जो आपके बुक में लिखा हुआ है, और आप कोशिश करें कि जब भी आप पॉइंट्स लिखें, आप एनसीईआरटी के पॉइंट्स लिखें, तभी मैं आपको बोलता हूं हमेशा कि आप एनसीईआरटी रेफर करें, ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, पहला फीचर बोलता है प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। जी, कल भी हम लोगों की इस पर बात हो रही थी और हमने सबसे पहले यही बात करी थी कि द प्री रिक्विजिट फॉर अ गुड प्लानिंग इज दैट यू हैव अ डिटरमिनेशियल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, प्री रिक्विजिट है कि भाई प्लानिंग अच्छी तभी होगी जब आपका ऑब्जेक्टिव डिटरमाइंड होगा। ऑब्जेक्टिव अगर डिटरमाइंड नहीं होगा तो आप प्लानिंग बढ़िया नहीं कर सकते हैं। तो बोलता है प्लानिंग का सारा फोकस होता है ऑब्जेक्टिव अचीव करने पे, एंड रिजल्ट्स पे। प्लानिंग इज द डिजाइनिंग ऑफ द मीन्स, सारा मीन्स जो आप डिजाइन करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द एंड रिजल्ट। ठीक है, एंड एंड रिजल्ट इज व्हाट, एंड रिजल्ट इज अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। एंड रिजल्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। तो आप अंडरलाइन करें, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप विद अ जनरल पर्पस इन व्यू, स्पेसिफिक गोल्स आर सेट आउट इन द प्लान अलॉन्ग विद द एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन टू अचीव द गोल। बोलता है एक तो जनरल प्लान आपके पास में होता है। यहाँ पे पेज आपका फीचर्स ऑफ प्लानिंग में फर्स्ट पॉइंट मैं आपको डिस्कस करा रहा हूँ, फीचर्स ऑफ प्लानिंग का फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, बोलता है ऑर्गेनाइजेशन एक जनरल पर्पस के साथ में एस्टैब्लिश किया जाता है और उसके बाद जनरल पर्पस इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ही जनरल पर्पस होता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग स्पेसिफिक गोल्स बनाते हैं अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। बोलता है प्लानिंग इज वेरी मच पर्पसफुल, एक लाइन लिखा हुआ है दस प्लानिंग इज पर्पसफुल। ठीक है, प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है। ठीक है, और क्या पर्पस है, पर्पस है टू गेट द ऑब्जेक्टिव्स, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। बोलता है प्लानिंग हैज नो मीनिंग अनलेस इट कंट्रीब्यूट्स टू द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। बोलता है प्लानिंग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर हम प्लानिंग की मदद से अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्री डिटरमाइंड गोल्स, प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से बहुपरीक्षित, पहले से समझे हुए सोचे हुए गोल को पूरा ना कर पाए। इफ वी आर अनेबल टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स देन द कंट्रीब्यूशन इज प्लानिंग इज जस्ट जीरो। ठीक है, तो इसलिए बोलता है प्लानिंग का फोकस हमेशा कहाँ होता है, ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को, टारगेट को, एंड रिजल्ट को अचीव करना ही हमारे प्लानिंग का टारगेट है। आइए, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इस पे कल भी बात हुई थी और बात कर लेते हैं। बोलता है प्लानिंग वो को प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, ऐसा इसलिए बोलते हैं बिकॉज प्लानिंग हमको एक आधार देता है अपने वर्क और अपने एक्शन को परफॉर्म करने का। इफ वी आर नॉट हैविंग अ प्लान वी कांट परफॉर्म द वर्क अकॉर्डिंगली। तो बोलता है प्लानिंग लेज डाउन द बेस फॉर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग आधार तैयार करता है मैनेजर्स और मैनेजमेंट के अदर फंक्शंस को कैरी ऑन कराने के लिए। ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्लान्स ड्रॉन। आपने जो प्लानिंग की है उसके आधार पे ही आप बाकी मैनेजरियल फंक्शंस कर सकते। जैसे सिंपल सी बात करा, मैंने मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन खोलना है, मुझे एक ऑफिस खोलना है, एक बिजनेस खोलना है। ठीक है, जिसके अंदर मैं क्या करूं, मैंने बोला कि मैं एक ऑफिस खोलूंगा, एक बिजनेस खोलूंगा जिसके अंदर मैं रीडिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराऊंगा। रीडिंग सर्विसेज का मतलब होगा लाइब्रेरी टाइप का मैं एक ओपन करूंगा। ठीक है, बच्चों को रीडिंग रूम प्रोवाइड कराऊं, उनको रीडिंग स्पेस प्रोवाइड कराऊं प्रॉपर। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड एसी कंडीशन रीडिंग रूम, स्टडी टेबल, ये वो दिस दैट। तो मैं जो प्लान करूंगा उसके हिसाब से मैं लेआउट करूंगा, मैं वर्क करूंगा, और तब जो आगे उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग, मुझे प्लेस देखना पड़ेगा कि प्लेस क्या होना चाहिए। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, मेरे पास क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, मुझे क्या क्या फर्नीचर चाहिए, मुझे कौन मेरा सुपरविजन करेगा, कितने लोग सुपरवाइज करेंगे, कितना सिटिंग पोजिशन बने, क्या एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल, और इनिशियल क्या है मेरा, इनिशियल मेरी प्लानिंग है।
ठीक है। तो बोलता है सारे के सारे मैनेजमेंट फंक्शंस, चाहे ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे स्टाफिंग हो, चाहे डायरेक्टिंग हो, हर चीज प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करती है। ऑर्गेनाइजिंग, कौन क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, क्या रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर होगा, डिपेंड करेगा प्लानिंग के ऊपर कि आप कितने लोग रखना चाह रहे हैं, कैसे कैसे प्लान कर रहे हैं। स्टाफिंग, कौन सा व्यक्ति आप चुनेंगे, कौन आपका इम्प्लॉय होगा, उसका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, क्या उसका एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन होगा, दैट इज नीडेड अकॉर्डिंग टू प्लान। तो बोलता है प्लान जो है उसके हिसाब से बाकी मैनेजमेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे। दस प्लानिंग प्रिसीड्स अदर फंक्शंस। प्रिसीड्स का मतलब होता है पहले होना, ठीक है। प्लानिंग सारे फंक्शन से पहले होता है। This is also referred to as the primacy of planning. That's why इसको हम लोग primary function या primacy बोलते हैं planning की। The various functions of management are interrelated and equally important. However, planning provides the basis for other functions. बोलता है बाकी सारे functions जरूरी हैं। ऑर्गेनाइजिंग नहीं करेंगे तो आप वर्क रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं, स्टाफिंग नहीं करेंगे तो प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स आपके पास नहीं आएगा, डायरेक्टिंग नहीं करेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स सही से काम नहीं करेगा, कंट्रोलिंग नहीं करेंगे तो डेविएशंस नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन सब चीज का आधार क्या है, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग ही सब चीज का आधार है। That's why we say that planning is very basic to the organization. बहुत बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मूलभूत है। बोलता है प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है ओमनी प्रेजेंट, हर जगह जरूरी है। प्लानिंग इज परवेसिव, ठीक है। बोलता है ऑर्गेनाइजेशन कोई सा हो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, फंक्शनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, कोई सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, हर जगह उसके स्कोप के हिसाब से और प्रोसेस के हिसाब से प्लानिंग जरूरी है। इस पे हम कल भी चर्चा कर रहे थे हम लोग कि भाई टॉप मैनेजर होगा तो उसको प्लान करना पड़ेगा, भले उसके प्लानिंग करने का जो बात हो वो अलग हो। मिडिल लेवल मैनेजर को भी प्लान करना पड़ेगा, भले ही उसके प्लानिंग करने का जो एरिया हो वो अलग हो, ठीक है। तो यही बोलता है प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग परवेसिव है, हर जगह पाया जाता है और हमेशा आपको उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। बोलते प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन के, हर डिपार्टमेंट के, हर लेवल पे प्लानिंग को करना ही पड़ेगा। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द वर्क कि किसका क्या वर्क है, उसको उस हिसाब का प्लान करना पड़ेगा। बोलता है इट इज नॉट एन एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। प्लानिंग सिर्फ टॉप मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, एवरीवन हैज टू वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि सक्सेस के लिए क्या जरूरी है, ठीक है। सक्सेस के लिए जरूरी है यू शुड प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान, ठीक है। पहले आएगा यू शुड वर्क योर प्लान, वर्क अपॉन द प्लान, प्लान के ऊपर काम कीजिए। एंड देन आपको जो काम करना है वो भी प्लान के अकॉर्डिंग करना है। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं तभी सक्सेस अचीव हो जाएगा, हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। बोलता है प्लान योर वर्क एंड देन वर्क अकॉर्डिंग टू प्लान, ठीक है। पहले अपने काम को प्लान कीजिए और जब आपने काम को प्लान कर लिया तो फिर उस हिसाब से काम कीजिए, देन ओनली यू कैन अचीव सक्सेस। और ये हर पॉइंट पर जरूरी है, एट टॉप लेवल, एट मिडिल लेवल, मैनेजरियल लेवल, एम्प्लॉय लेवल, क्लेरिकल लेवल, कहीं भी आप आ जाइएगा, आपको ये चीज जरूरी है। एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट प्लानिंग इज ऑल परवेसिव, ठीक है। बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े लेवल की प्लानिंग होगी, मल्टी लेवल प्लानिंग होगी। छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, छोटे लेवल की प्लानिंग होगी, सिंगल लेवल या डुअल लेवल प्लानिंग होगी, लेकिन प्लानिंग होगी जरूर, प्लानिंग आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो मल्टीपल मैनेजर्स आपके प्लानिंग के अंदर शामिल होंगे, अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो हो सकता है एक या दो मैनेजर ही प्लानिंग के अंदर शामिल हो, पूरी टीम शामिल ना, लेकिन करना आपको जरूर पड़ेगा प्लान, ठीक है। बोलता है प्लानिंग इज परवेसिव। मेरे ख्याल से आप प्लानिंग इज परवेसिव का मतलब समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं।
उसने एक एग्जांपल भी दिया कि टॉप लेवल पे आप ऑर्गेनाइजेशन के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान करेंगे, मिडिल लेवल पे आप अपने डिपार्टमेंट के लिए प्लान करेंगे, और लोअर लेवल पे आप क्या करेंगे, आप लोअर लेवल पे डे टू डे ऑपरेशंस, हर दिन के वर्क का प्लान करेंगे। लेकिन यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ वर्क असाइंड टू यू। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। आप रुक नहीं सकते हैं, बिकॉज योर बिजनेस इज अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस। आपका बिजनेस कंटिन्यूइंग प्रोसेस है तो प्लानिंग रुक नहीं पाएगा। वन सेट ऑफ प्लान फॉर वन टाइम पीरियड एंड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दैट टाइम पीरियड यू शुड बी रेडी विद द नेक्स्ट सेट ऑफ प्लान। आपको प्लान के साथ हमेशा रेडी रहना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप प्लान रोक देंगे तो आपका एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूशन, एक्शन, वर्क क्या हो जाएगा, आपका रुक जाएगा। देखिए, बोलता है प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मे बी फॉर अ मंथ, अ क्वार्टर और अ ईयर। ठीक है, और जब आपका ये पीरियड खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट पीरियड के लिए अगर आपके पास में प्लान नहीं होगा तो आप कैसे वर्क अपॉन करेंगे। इसीलिए बोलता है कि यू नीड टू ऑलवेज बी रेडी विथ द प्लान फॉर द नेक्स्ट टाइम स्लॉट। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए आपके पास प्लान हमेशा क्या होना चाहिए, रेडी होना चाहिए। बोलता है एट द एंड ऑफ दैट पीरियड देयर इज नीड फॉर अ न्यू प्लान टू बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू रिक्वायरमेंट एंड फ्यूचर कंडीशंस। जैसे ही टाइम पीरियड एक्सपायर होने वाला होगा, नए टाइम पीरियड के नए रिक्वायरमेंट्स के साथ न्यू प्लान की जरूरत आपको पड़ेगी, नहीं तो आपका जो एग्जीक्यूशन है, जो वर्क है, जो प्रोसेस है, वो हॉल्ट हो जाएगा। हॉल्ट का मतलब होता है थोड़े समय के लिए, क्षणिक समय के लिए किसी चीज का रुक जाना, दैट इज कॉल्ड हॉल्ट। ठीक है, बोलता है हेंस प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसीलिए प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूटी ऑफ प्लानिंग इज रिलेटेड विद द प्लानिंग साइकिल। ठीक है, इसने एक बात करी प्लानिंग साइकिल। ठीक है, स्टार्ट ऑफ द प्लानिंग, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, एंड ऑफ प्लानिंग टाइम पीरियड, देन अगेन न्यू सेट ऑफ प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, एंड स्टार्ट, एंड स्टार्ट, एंड स्टार्ट, एंड स्टार्ट, एंड इट्स अ प्लानिंग साइकिल। ठीक है, और ये आपका टाइम होराइजन हो गया। दिस इज द टाइम होराइजन, दिस इज द टाइम होराइजन। ठीक है, जितने टाइम पीरियड के लिए आपने प्लान किया, जैसे ही वो टाइम पीरियड एंड हुआ, नए रिक्वायरमेंट्स के साथ में नई प्लानिंग, फिर नए रिक्वायरमेंट के साथ में नई प्लानिंग, एंड दैट गिव्स यू अ साइकिल लाइक स्ट्रक्चर जो हमेशा क्या होता रहेगा, घूमता रहेगा। जहां पे ब्रेक होगा वहां पे एग्जीक्यूशन रुक जाएगा, वहां पे आपका सारा का सारा मैनेजेरियल प्रोसेस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। Clear? That's why planning is a continuous process. Planning is futuristic. Next बोलता है planning is futuristic. Planning कभी भी past के लिए नहीं होता है। Planning हमेशा given time period जो कि future में आने वाला है उसके लिए किया जाता है। अगर आप present के लिए plan करेंगे तो कभी भी आपका work ही success नहीं होगा भाई। ठीक है, प्रेजेंट के लिए प्लान बहुत ही डाइवर्स केस में किया जाता है, व्हेन योर प्लान डजंट वर्क इन द प्रेजेंट सिचुएशन, तो आपको ड्रास्टिकली यू हैव टू चेंज योर प्लान, एंड दैट हैपेंस इन वेरी शॉर्ट टाइम, कभी कभी वो चीज होती है। ठीक है, तो मोस्टली प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। बोलते हैं प्लानिंग एसेंशियली इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। आगे देखना, आगे की जरूरतों को समझना, आगे के कंडीशंस को प्रेडिक्ट करना, और अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अपनी एक्टिविटीज को मैनेज करना, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। ठीक है, बोलते हैं द पर्पस ऑफ प्लानिंग इज टू मीट फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली एंड टू द बेस्ट एडवांटेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फ्यूचर से बेस्ट एडवांटेज क्रैक करना और उसको एक्सट्रैक्ट करके निकालने के लिए ही हम प्लानिंग करते हैं, वरना प्लानिंग की क्या जरूरत है। ठीक है, अगर आप फ्यूचर में एज इट इज, जब समय आएगा तब देख लेंगे कि मोटो पे अगर चलेंगे तो फिर तो आपको प्लानिंग करने की कोई जरूरत ही नहीं है। यू वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट फ्रॉम द फ्यूचर, देन दैट्स वाई यू प्लान। That's why planning is always said as futuristic. ठीक है? Planning is therefore regarded as a forward-looking function based on forecasting.
साफ बोलता है, आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, ठीक है, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक वाले पॉइंट में है, प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, इट इज नॉट अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन, इट्स अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, आगे देखेंगे, आगे की चीजों को समझेंगे, आगे की जरूरत को समझ पाएंगे और उसके हिसाब से अपने एक्शंस को प्लान करेंगे, दैट्स व्हाई इट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, ठीक है, बेस्ड ऑन फॉरकास्टिंग, बेस्ड ऑन फॉरकास्टिंग, क्योंकि फॉरवर्ड आगे की चीजें आप कंक्रीट नहीं बोल सकते कि यही होगा, देन यू हैव टू प्रिज्यूम, आपको उसका अजम्पशन करना पड़ेगा, फॉरकास्ट करना पड़ेगा, उस चीजों को अनुमान लगाना पड़ेगा कि आगे क्या हो सकता है, और जितना बेटर आप फॉरकास्ट कर पाएंगे उतना फूल प्रूफ आपका प्लान बनेगा, ठीक है, आगे बढ़ते, दस फॉरकास्टिंग फ्यूचर इवेंट्स एंड कंडीशंस आर एंटीसिपेटेड एंड प्लान्स आर ड्रॉन अकॉर्डिंगली, बोलता है फ्यूचर की फोरकास्टिंग करेंगे, एंटीसिपेशन अनुमान लगाएंगे और उसके हिसाब से प्लान बनाए जाते हैं, दैट्स वाई प्लानिंग इज कंसिडर्ड फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग को हम क्या कंसिडर करते हैं, फ्यूचरिस्टिक कंसिडर करते हैं, क्या प्लानिंग हमेशा फ्यूचरिस्टिक होगा, जी बिल्कुल, प्लानिंग हमेशा फ्यूचरिस्टिक ही होगा, वो पढ़ेंगे बाब, वो आपने जो लिखा है ना वो बात हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि प्लानिंग फॉरवर्ड है, बैकवर्ड लुकिंग क्यों है, ठीक है, वो जब हम इसके डेविएशंस आपको पढ़ाएंगे ना तब हम इस बात को पढ़ा पाएंगे, ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग इस बात को नहीं एनालाइज, अभी हम लोग प्लानिंग को सिर्फ फॉरवर्ड लुकिंग के पॉइंट से ही देख रहे हैं, हम करेंगे जब कंट्रोलिंग वाले चैप्टर में आएंगे तो हम करेंगे उस चीज को, ठीक है, अभी फिलहाल हम उस चीज को नहीं गैदर कर सकते ना, क्योंकि अभी तो हम एंटीसिपेशन और फॉरकास्टिंग की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम एक न्यू पॉइंट से प्लानिंग को पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक बेसिक स्टार्टिंग नर्चर पॉइंट से हम प्लानिंग को आगे की तरफ देख रहे हैं, जब हम कंपैरिजन की बात करेंगे, जब हम स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे तो हम करेंगे उस बात को, प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग बोथ, ठीक है, तो जब हम एंड रिजल्ट्स पे पहुंच जाएंगे फिर हम वापस से उस चीज की जब बात करेंगे ना तब हम बात करेंगे, इसीलिए उस बात को हम कंट्रोलिंग में ही करेंगे, अभी नहीं करेंगे उस बात को, ठीक है, अभी तो हम बस ये कह रहे हैं कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना है और उसके हिसाब से एक्शंस करना है, ठीक है, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एंड रिजल्ट, जब हम कंट्रोलिंग के बाद रीप्लानिंग की बात करते हैं ना तब हम लोग बोलेंगे कि प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस, ठीक है, तो वो करेंगे, अभी तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि वी आर फोरकास्टिंग, वी आर मेकिंग एंटीसिपेशंस, वी आर वर्किंग ओवर द प्लान, वी आर वर्किंग ओवर टू गेट द ऑब्जेक्टिव्स क्लास डन एज पर द प्लान, तो वो वाली बात भी हम लोग आगे करेंगे, ठीक है, बाकी वो फॉरवर्ड लुकिंग है एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग है वो करेंगे हम लोग, उस पर भी बात करेंगे, ठीक है, अभी अभी फिलहाल हम लोग इसको फ्यूचरिस्टिक के तो फ्यूचर प्रोपोजिशन की तरफ देख रहे हैं, तो हम फ्यूचर प्रोपोजिशन की बात कर रहे हैं अभी इसमें, ठीक है, धीरे धीरे जब इसका एक सेटल पॉइंट आएगा, जब उस सेटल पॉइंट से फिर हम वापस बोलेंगे कि प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट कंटिन्यूज टू अ नेक्स्ट सेगमेंट ऑल्सो, तो फिर जाकर के हम बोलेंगे कि प्रीवियस सेगमेंट से हमने जो एक्सपीरियंसेस लिए, जो डेविएशन हमारा हुआ उसको हम नई प्लानिंग में फिर इंक्लूड करेंगे, तो वो अभी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है, अभी तो हम इसको एज अ स्टार्ट प्रोसेस कर रहे हैं कि भाई यहां से मेरा बिजनेस का मैनेजमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है, तो जब हम स्टार्ट से एंड पे पहुंचेंगे तो जब कंट्रोलिंग डिस्कस करेंगे तब फिर जाकर के रीप्लान स्ट्रक्चर जब डिस्कस करेंगे ना तो डिस्कस करेंगे कि भैया प्लानिंग अब प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग भी है, ठीक है, तो अभी वो चीज कर नहीं रहे ना, क्योंकि अभी तो पहला प्रोसेस ही डिस्कस करना शुरू किए, जब हम लास्ट प्रोसेस में पहुंच के और रीडिस्कस करेंगे तब हम आपको बोलेंगे कि देखो एक सीरीज ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन खत्म हुआ, अब कंटिन्यूअस प्लान कंटिन्यूअस हम लोग कंट्रोलिंग तक पहुंचे, अब नेक्स्ट सीरीज ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन जब स्टार्ट होगा तो प्लानिंग आपकी फॉरवर्ड लुकिंग तो रहेगी ही, साथ में बैकवर्ड लुकिंग भी उसको होना पड़ेगा ताकि वो वहां से देख पाए कि प्रीवियस सीरीज में क्या गलतियां हुई थी, करेंगे उस चीज को हम लोग आगे जब हम कंट्रोलिंग पे पहुंचेंगे, उसको यहां डिस्कस करने से ज्यादा बेहतर है कि हम कंट्रोलिंग में डिस्कस करेंगे, ठीक है, आइए नेक्स्ट बोलता है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग,
प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग है ऑब्वियसली, बिकॉज हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को सेलेक्ट करते हैं और ये डिटरमाइन करते हैं कि काम किस तरीके से किया जाएगा, फ्यूचर में काम किस तरीके से किया जाएगा। दैट्स व्हाई प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। मैनेजर को हर पॉइंट पे इस बात का डिसीजन लेना होता है कि व्हाट हैज टू बी चूजन एंड व्हाट एक्टिविटीज आर टू बी डन एंड अकॉर्डिंग टू व्हाट प्रोसेस। बोलते हैं प्लानिंग एसेंशियली इन्वॉल्व्स choice from among various alternatives and activities. If there is only one possible goal or a possible course of action, there is no need for planning because there is no choice. बोलता है देखो planning की जरूरत ही इसीलिए है because हमारे पास किसी काम को करने का, किसी objective को achieve करने का एक से ज्यादा method है या एक से ज्यादा तरीका है। अगर हमें पता हो कि एक डिफाइंड गोल को अचीव करने का एक ही तरीका है तो फिर प्लानिंग करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। फिर आपके पास में सब्स्टिट्यूट्स ही नहीं है तो आप किस चीज को प्लान करोगे? आपको पता है कि भाई मुझे यहां से वहां जाना है और मेरे पास एक ही रास्ता है और मेरे पास कोई सवारी नहीं है, मुझे वहां पैदल ही जाना है, ठीक है। तो भैया फिर सोचने का और प्लान करने का क्या है, उठिए चल दीजिए, ठीक है। अगर आपके पास में सब्स्टिट्यूट्स होता है तभी तो आप प्लान करते हैं कि वहां बस से जाएं, ट्रेन से जाएं, गाड़ी से जाएं, कार से जाएं, पैदल जाएं, रिक्शे से जाएं, ठीक है। इफ यू हैव द अल्टरनेटिव्स देन ओनली देयर इज अ नीड फॉर प्लान एंड द डिसीजन मेकिंग अराइज्स। तो दैट्स व्हाई बोलता है कि भैया प्लानिंग अगर है इसका मतलब अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है एंड फ्रॉम दैट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन यू हैव टू चूज द बेस्ट सूटेड एक्शन बाय क्या करना पड़ेगा, by analyzing the merits and demerits, the pros and cons of different actions involved, and for that you need to take the decision, आपको decision लेना पड़ेगा, and that's why planning is considered as planning involves decision making. बोलते हैं the need for planning arises only when the alternatives are available. In actual practice, planning presupposes the existence of alternatives. बोलते हैं इन एक्चुअल प्रैक्टिस, नॉर्मल काम के जगह पे एक्चुअल प्रैक्टिस में, प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन में हम हमेशा मान के चलते हैं, पहले मान के चलते हैं प्री सपोजेस शब्द का अर्थ होता है पहले से मान लिया जाना। वी प्री सपोजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ अल्टरनेटिव, हम मान के चलते हैं कि हर काम को करने का एक से ज्यादा तरीका हमारे पास में है, और क्योंकि एक से ज्यादा तरीका हमारे पास में है वी नीड टू प्लान, हमें क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। प्लानिंग दस इन्वॉल्व्स थॉरो एग्जामिनेशन एंड इवोल्यूशन। थॉरो मतलब पूरे तरीके से हम एग्जामिन करें चीजों को, पूरे तरीके से हम चीजों को एग्जामिन करें, ठीक है, उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखें, उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स को देखें, उसका फायदा नुकसान चेक करें, ठीक है, इवेल्युएट करें, और उसके बाद चूज करना हो वन ऑफ द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन, जो सबसे एप्रोप्रिएट है उसको चुन लें, ठीक है। एंड दिस इज द प्रोसेस वेयर डिसीजन इज इन्वॉल्व, जहां डिसीजन इन्वॉल्व होगा, दैट्स वाई इट इज सेड दैट प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। लास्ट पॉइंट नंबर 7 बोलता है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, मेंटल मतलब प्लानिंग करने में दिमाग लगता है, दिमाग का यूटिलाइजेशन होता है, एक्सरसाइज होता है। यस प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, क्यों भाई प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज क्यों है, बिकॉज आपको डिफरेंट एक्शंस का मेरिट डिमेरिट प्रोस कॉन्स प्लस माइनस इवेल्युएट करना पड़ता है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस डिराइव करना पड़ता है, ठीक है, हर कोर्स ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स का फायदा नुकसान सोचना पड़ता है, उसके रिपरकशंस देखने पड़ते हैं, और इसमें दिमाग लगता है, ठीक है। आपको वैल्यू जजमेंट करना पड़ता है, यू हैव टू जज दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, इसके लिए आपको फोरकास्टिंग करनी पड़ती है, इमेजिनेशंस करना पड़ता है, कैलकुलेशंस करना पड़ता है, ठीक है, बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, चेक करनी पड़ती हैं, ठीक है, एंड फॉर दैट देयर इज अ मेंटल एक्सरसाइज इन्वॉल्व्ड, इसमें मेंटल एक्सरसाइज इन्वॉल्व होता है। बोलता है प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ द माइंड इन्वॉल्विंग फोरसाइट, फ्यूचर को देखना पड़ता है, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन, ठीक है, इमेजिन करना पड़ता है चीजों को कि क्या होगा आगे, इट इज बेसिकली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग रेदर देन डूइंग, ठीक है, यहाँ चीजें करनी नहीं है, यहाँ चीजें सोचनी होती हैं कि कैसे होंगी,
क्या फायदा, क्या नुकसान, आगे क्या सिचुएशन होगा, आगे क्या कंडीशन होगा, ये मेरे लिए पॉजिटिव होगा, मेरे लिए निगेटिव होगा, आपको कैलकुलेशंस, प्रोबेबिलिटीज चेक करनी पड़ती हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, लॉजिकल और सिस्टमेटिक बिहेवियर चेक करना पड़ता है, मार्केट बिहेवियर चेक करना पड़ता है, बिजनेस एनवायरमेंट चेक करना पड़ता है, सारी चीजों का प्लस माइनस कैलकुलेट करना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ प्रोसेस, इट बिकम्स व्हाट अ मेंटल प्रोसेस, ये एक मेंटल प्रोसेस बन जाता है. In other words, thinking for planning must be orderly and based on the analysis of facts and forecast. बोलता है, planning से पहले सोचने के लिए आपको facts चाहिए, forecast करना पड़ेगा और चीजों को तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा, उससे plus minus निकालना पड़ेगा, ठीक है, और फायदा नुकसान सोच समझ के तब एक alternative select करना पड़ेगा. That's why planning is a mental exercise. Planning क्या है? एक mental exercise है, ठीक है. चलिए, होप सो आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. नेक्स्ट वी हैव टू स्टार्ट विद द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को देखना है कि प्लानिंग का लिमिटेशंस क्या है. आई प्लानिंग का लिमिटेशंस, तो प्लानिंग का सबसे पहला लिमिटेशन क्या बोलता है? बोलता है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. प्लानिंग leads to rigidity. Rigidity का मतलब होता है क्या? Rigid का मतलब होता है कोई चीज जो रुक जाए, स्थिर हो जाए, हिले नहीं, ठीक है, that is called rigid. A situation of no change, ठीक है, or you can say a situation in which change is very, change is almost impossible, ठीक है, almost impossible हो जाए जहां change करना, ठीक है, या चेंज अगर हो भी तो उसके लिए आपको रियली हाई कॉस्ट पे करना पड़े या उसके लिए आपको कुछ ना कुछ लॉस हो, ऐसे पॉइंट को रिजिड बोलते हैं, ठीक है, जो हिल नहीं पाता है, देखो जिसको हिलाना मुश्किल है, दैट इज कॉल्ड रिजिड. बोलता है प्लानिंग ना पूरे के पूरे वर्कफोर्स में रिजिडिटी ला देती है. कैसे? एक बार जब प्लान बन जाता है और सारी चीजें प्लान के अकॉर्डिंग होनी तय हो जाती हैं, फिर कोई एंटिसिपेटेड चेंज प्लान में बहुत सारे जगह पे अफेक्ट करता है और इस अफेक्ट से ऑर्गेनाइजेशन बचना चाहता है. दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन दैट प्लानिंग ब्रिंग्स, रिजिडिटी. लोग प्लान को समझने के बाद दोबारा उसमें चेंज करने के फेवर में नहीं होते, ठीक है, उनको लगता है कि इससे वर्क प्रोसेस और लंबा हो जाएगा या इसका मल्टीपल इफेक्ट्स हो जाएगा जो मुश्किल है हैंडल करना, ठीक है, दैट्स व्हाई प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. आई बोलता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन अ वेल डिफाइंड प्लान इज ड्रॉन अप विद स्पेसिफिक गोल्स टू बी अचीव विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम. दीज प्लान्स देन डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. जब आपने प्लान बना लिया, जब आपका प्लान रेडी हो गया, तो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, क्या कार्य करना है, ये भी रेडी हो जाता है, ठीक है. एंड मैनेजर्स मे नॉट बी इन अ पोजीशन टू चेंज इट. और मैनेजर अब इस स्थिति परिस्थिति में नहीं होते हैं कि इनको आसानी से बदला जा सके. दिस काइंड ऑफ रिजिडिटी इन प्लान्स मे क्रिएट डिफिकल्टी. और ऐसी रिजिडिटी से डिफिकल्टी बढ़ जाती है, बिकॉज हो सकता है कि कभी चेंज इज एसेंशियल, वो चेंज जरूरी रहा हो, लेकिन एक चेंज के लिए हमें सीरीज ऑफ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, एंड दैट क्रिएट्स रिजिडिटी. इस वजह से हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को लॉस सहना पड़े, ठीक है. मैनेजर्स need to be given some flexibility to be able to cope with the changing circumstances. ठीक है, following a pre-decided plan when circumstances have changed may not turn out to be in the organization's interest. Yes, ठीक है, कुछ ना कुछ scope of change होना चाहिए. Plans rigid नहीं होने चाहिए, because अगर change circumstances में भी आप original plan को लगाओगे तो हो सकता है आपके desired results achieve ना हो. तो there should be a scope for some change. कुछ change का scope उसमें रखना चाहिए आपको plan के अंदर, ठीक है. तो अगर ऐसा नहीं है, it means it's a limitation of planning, that planning creates rigidity. Planning क्या कर देता है? Rigidity create करता है. दूसरा बोलता है प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट. बोलता है भाई एनवायरनमेंट डायनेमिक है, एवर चेंजिंग है,
चेंज कर रहा है, बहुत तेजी से चेंज कर रहा है। ऐसे चेंज में जब आप फॉरकास्ट और फोरसाइट नहीं निकाल पाते हैं, जब आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, तो मुश्किल हो जाता है प्लानिंग का वर्क करना। अगर आपने जितने टाइम फ्रेम के लिए प्लान फिक्स किया है, उस टाइम फ्रेम के अंदर भी इन्वायरमेंट आपका डायनेमिक है, तो ऐसे डायनेमिक इन्वायरमेंट में प्लान का श्योरिटी के साथ वर्क करना मुश्किल है। ठीक है, तो बोलता है प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट में प्लानिंग का बहुत सुटेबली वर्क करना आसान नहीं है। बोलता है द बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक, नथिंग इज कांस्टेंट, द एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ डायमेंशंस, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, लीगल, बहुत सारे तरह के चेंजेस हैं। द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू कॉन्स्टेंटली अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजेस, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को ये जरूरी है कि वो चेंज के हिसाब से अपने आप को उस सिचुएशन में ढाल ले। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू अडेप्ट इटसेल्फ, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली एक्सेस द फ्यूचर ट्रेंड्स इन द एनवायरनमेंट इफ इकोनॉमिक पॉलिसीज आर मॉडिफाइड और पॉलिटिकल कंडीशंस इन द कंट्रीज आर नॉट स्टेबल। बोलता है अगर बहुत जल्दी जल्दी बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होगा, तो उतनी जल्दी जल्दी बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंज को एसेस करना, पहचानना, और उसका हमारे बिजनेस पे क्या प्रभाव पड़ेगा इस चीज को पहचानना और उसके हिसाब से अपने प्लानिंग को चेंज करते रहना, इतना आसान नहीं है। दैट्स वाई इट इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, दैट प्लानिंग आपका डायनेमिक एनवायरनमेंट में सही तरीके से काम नहीं करेगा। बोलता है प्लानिंग कैन नॉट फोरसाइट एवरीथिंग एंड दस देयर मे बी ऑब्स्टिकल्स इन इफेक्टिव प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग हर चीज को फोरसाइट नहीं कर सकता है, हर चीज का अनुमान नहीं लगा सकता है, एंड दस इट इज डिफिकल्ट दैट प्लानिंग शुड वर्क, कि प्लानिंग हर डायनेमिक एनवायरमेंट में काम कर ही जाए। क्या कर रहे हो जी तुम लोग? प्लानिंग मैनेजमेंट का प्रोसेस है। ठीक है, प्लानिंग इज अ डायनेमिक, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, और प्लानिंग डायनेमिक का मैनेजमेंट का प्रोसेस है। लेकिन जब एक प्लानिंग का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, उस प्रोसेस को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा, अगर उस टाइम इंटरवल के बीच में सिचुएशंस बार 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 बदलेगा, तो आपको आपके पास ये भी स्कोप होना चाहिए कि आप उतनी बार प्लान को बदल पाए। ठीक है, अगर आपके पास ये स्कोप नहीं है कि आप उतनी बार प्लान को बदल पाएंगे, तो इफेक्टिव प्लान क्या काम करेगा? नहीं काम करेगा। यही बात कहने की कोशिश कर रहा है। बोलता है कि क्या मैनेजमेंट का काम तो है ही है कि भाई वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में सही तरीके से काम करे, ये तो है ही है। ठीक है, लेकिन अगर डायनामिज्म बहुत ज्यादा है, जितने को कि मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं कर पाएगा, प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है मैनेजमेंट का जो प्लानिंग होगा वो उतने अच्छे तरीके से उस सिचुएशन में काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये लिमिटेशन तो है। हाँ भाई, अगर आप 100% फोरकास्ट कर जाते हैं, फोरसाइट पकड़ लेते हैं, हर बार जितनी बार इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उतनी बार अगर आप कैपेबल हैं चेंज कर लेने के लिए अपने प्लानिंग्स को, तो फिर प्लानिंग काम करेगी। ठीक है, लेकिन इसमें दिक्कत आएगी, दैट्स वाई इट इज कंसिडर्ड एज अ लिमिटेशन। ठीक है, आगे प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। बोलता है प्लानिंग इनिशिएटिव को मार देता है। ठीक है, प्लानिंग क्रिएटिविटी को रोक देता है, प्लानिंग इनोवेशन को जीरो कर देता है। क्यों? बिकॉज एक बार जब प्लान हो जाता है तो आपको एक्शंस बता दिए जाते हैं कि आपको काम किस तरीके से करना है, और आपको मैनेजर्स को ये स्कोप नहीं दिया जाता है कि वो अपने दिमाग के हिसाब से कुछ चेंजेस करें, बिकॉज प्री डिटरमाइंड रूल्स सेट कर दिए जाते हैं, प्री डिटरमाइंड तरीका सेट कर दिया जाता है जिससे कि आप काम को करेंगे। तो इंडिविजुअल लेवल पे इनिशिएटिव, आगे बढ़ के किसी चीज को करना, इंडिविजुअल लेवल पे क्रिएटिविटी जीरो हो जाती है, क्योंकि किसी को भी अपना दिमाग लगाना अलाउड नहीं होता है, बिकॉज वहां पे डर होता है कि हम सक्सेसफुली अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो प्रीसेट, जो पहले से सेट प्लान होता है, वही काम करता है, एंड दैट्स वाई प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, प्लानिंग मैनेजर्स की क्रिएटिविटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, देखिए बोलता है प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इज डन बाय द टॉप मैनेजमेंट, यूजुअली द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स जस्ट इंप्लीमेंट दीज प्लान। बोलता है जो मेन प्लानिंग होती है वो टॉप मैनेजमेंट करता है, और बाकी लोग तो बस इसको इंप्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, अपने ऊपर लागू करते हैं और इसके अनुसार कार्य करते हैं। ठीक है,
मिडिल मैनेजर्स एंड अदर डिसीजन मेकर्स आर नाइदर अलाउड टू डेविएट फ्रॉम द प्लांट्स नॉर आर दे परमिटेड टू एक्ट ऑन देयर ओन. बोलता है जो मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट ग्रुप में लोग होते हैं उनको डेविएट करना अलाउ नहीं होता है, वो डेविएट नहीं कर सकते हैं. वो अपने से कोई नई चीज उसमें जोड़ या घटा नहीं सकते हैं, ठीक है. उनको अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा जैसा उनको प्लान करके दिया गया है. अगर वो अपने तरीके से क्रिएटिविटी करेगा भी तभी भी उसकी बाउंड्री फिक्स होती है, इससे बाहर आप कुछ नहीं कर सकते. हाँ, बाउंड्री क्या, तभी तो बताए ना कि ऐसा नहीं ना बोल रहा है कि इट जस्ट बिकम्स क्रिएटिविटी बिकम्स जीरो, ऐसा तो नहीं बोल रहा है कि इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, ठीक है, कम कर देता है आपके सोचने के जो दायरा होता है, आपके सोचने का दायरा उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि भैया इससे आगे आप कुछ मत सोच लेना क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ने इतना सोच रखा, ठीक है. इससे आगे अगर आप कुछ सोचोगे तो दैट इज द डेविएशन फ्रॉम द एक्चुअल प्लान, ठीक है. उसमें फिर हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकते. हाँ, क्यों नहीं कर सकता, सजेस्ट कर सकता है. नेक्स्ट रीप्लान में अगर उसका सजेशन बढ़िया होगा तो उस सजेशन को इंक्लूड किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. या इसी प्लान में अगर हमारे पास में स्कोप होगा कि हम प्लान को अमेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो चेंज किया जा सकता है, ठीक है. सजेशंस किया जा सकता है लेकिन अपने से कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं हो सकता, ठीक है. कि आपको कहा गया ये करने को, आप उसको खुद बिना किसी मैनेजर को बोले या किसी अपने सीनियर को बोले आपने उसको इम्प्रोवाइज कर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है. ये चीज पॉसिबल है. ठीक है, देखिए बता रहे बेटा, वो तो इनका क्वेश्चन है कि सर प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल एट द सेम टाइम देयर इज अ स्कोप ऑफ रिजिडिटी. व्हाई प्लानिंग फ्लेक्सिबल है, ठीक है, लेकिन प्लानिंग के फ्लेक्सिबिलिटी पे हम क्वेश्चन मार्क तब डालते हैं जब एक सेट ऑफ प्लान रेडी हो जाता है. एक सेट ऑफ प्लान रेडी होने से पहले बहुत फ्लेक्सिबल है, आप उसमें एन नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स को सर्च कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स को आप इवैल्यूएट कर सकते हैं, लेकिन जब आप इवैल्यूएट करके एक डिसीजन पे पहुंच गए तब उसको चेंज करना. प्लानिंग एज अ प्रोसेस इज वेरी मच फ्लेक्सिबल, बट व्हेन यू हैव बीन यू आर रेडी विथ अ सेट ऑफ प्लान इट बिकम्स रिजिड, ठीक है. ये दो अलग अलग बातें, इसको आप समझिए. प्लानिंग एज अ वर्किंग इज फ्लेक्सिबल बट व्हेन द प्लान बिकम्स रेडी इट बिकम्स रिजिड, इट इज नॉट फ्लेक्सिबल, ठीक है. ये दो अलग अलग बातें हैं यहाँ पे. तो प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी एक बात हो गई. तो बोलता है द इनिशिएटिव एंड द क्रिएटिविटी इनहेरेंट इन देम ऑल्सो गेट लॉस्ट और रिड्यूस. बोलता है जो मैनेजर्स के अंदर इनिशिएटिव था या जो इनहेरेंट कैपेसिटी था, हो सकता है धीरे धीरे वो रिड्यूस हो जाए बिकॉज मैनेजर को लगे कि यार हमारी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा, ठीक है, या हमें कोई इम्प्रोवाइजेशन करना तो अलाउड ही नहीं है. तो धीरे धीरे इससे क्रिएटिविटी क्या होती है, मैनेजर्स की घटने लगती है. मोस्ट ऑफ द टाइम एम्प्लॉइज डू नॉट इवन अटेम्प्ट टू फॉर्मुलेट प्लान्स, ठीक है. एम्प्लॉई को लगता है कि यार वही ढर्रा तो चलेगा जो ऊपर से आया है, तो हम क्यों अपना दिमाग लगाएं, ठीक है, हम क्यों इसके लिए कुछ सोचे. दे ओनली कैरी आउट ऑर्डर्स, वो खाली क्या करते हैं, जो ऑर्डर आया उस ऑर्डर के हिसाब से अपना काम बना दिया, हो गया भैया बात खत्म. दस प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, जिसकी वजह से प्लानिंग का क्रिएटिविटी क्या हो जाता है, धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है, ठीक है. प्लानिंग करने वाले जो मैनेजर्स होते हैं धीरे धीरे उनकी क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है. अगला बोलता है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, ठीक है. प्लानिंग में बहुत कॉस्ट लगता है भाई,
क्यों कॉस्ट लगता है? बार बार इवेल्युएशन करना होता है, बार बार अल्टरनेटिव जजमेंट्स करने होते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको बार बार सर्वेज क्रिएट करने पड़ते हैं, बार बार आपको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, मीटिंग्स करनी पड़ती है, ठीक है। बार बार इनमें खर्च लगता है, टाइम लगता है, आपको सेट ऑफ मैनेजर्स बैठाने पड़ते हैं, उनको सैलरी देना पड़ता है, रेम्यूनरेट करना पड़ता है। तो ये पूरा प्रोसेस एक रिसर्च प्रोसेस है जिसमें आपको बहुत पैसा लगता है, ठीक है। बोलता है when plans are drawn up, huge costs are involved in their formulation. These may be in terms of time and money. Time भी लगता है, तो time का भी जाना आपके लिए एक तरह से cost ही है, ठीक है। Time भी लगता है और plus आपको पैसा भी लगता है, दोनों चीज। These may be in terms of time and money. For example, checking accuracy of the facts may involve a lot of time. आप बार बार फैक्ट्स को चेक करेंगे, पहले तो डेटा कलेक्ट करेंगे, फैक्ट्स चेक करेंगे, अपने हिसाब से डेटा बनाएंगे, इवेल्युएट करेंगे, प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। डिटेल्ड प्लान के लिए साइंटिफिक कैलकुलेशंस करेंगे, फैक्ट का जुगाड़ करेंगे, डेटा का जुगाड़ करेंगे, ठीक है। बोलता है इन सब में खर्चा लगता है। द कॉस्ट इनकर्ड समटाइम्स मे नॉट जस्टिफाई द बेनिफिट डिराइव। बोलता है कभी कभी तो इतना कॉस्ट लग जाता है कि उस प्लानिंग से जो बेनिफिट होने वाला होता है उससे ज्यादा आपको क्या देना पड़ जाता है, प्लान करने का कॉस्ट। तो कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को यह भी चेक करना पड़ेगा कि प्लानिंग करने में अपने को कॉस्ट क्या लग रहा है, ठीक है। देर आर अ नंबर ऑफ इंसिडेंटल कॉस्ट एज वेल, ठीक है। उसके अलावा भी छोटे मोटे इंसिडेंटल खर्चे हैं, ठीक है, लाइक एक्सपेंसिस ऑन बोर्डरूम मीटिंग, ठीक है। जब मैनेजर्स बैठेंगे, बोर्डरूम सजेगा, ठीक है, उसमें मीटिंग आएगा, उस मीटिंग का खर्चा आएगा, स्नैक्स का खर्चा आएगा, ठीक है, और भी बहुत सारा खर्चा आ सकता है। डिस्कशंस करने होंगे, उस पर आपको प्रोफेशनल्स का हेल्प लेना पड़ेगा, एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ेगा, ठीक है, उनको रेमुनरेट करना पड़ेगा। इन सब चीजों में कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा हो सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन शुड सी एंड कंपेयर व्हाट इज द बेनिफिट अचीव्ड फ्रॉम द प्लान एंड व्हाट आर द कॉस्ट बीन इनकर्ड ओवर दैट प्लानिंग, ठीक है। अगर कॉस्ट कम और बेनिफिट ज्यादा है तभी ही आप इस काम को करें, तभी प्रोजेक्ट प्लान आपका वायबल है, प्रॉफिटेबल है, वरना फिर वो प्लान वायबल आपके लिए नहीं है। तो प्लानिंग में कॉस्ट भी लगता है, समय भी लगता है, ठीक है। आपको चेक करना पड़ेगा कि आप पैसा और समय लगा के कितना बेनिफिट निकाल पा रहे हैं। तो उसके किस चीज का प्लानिंग का क्या प्रोविजन बनाएंगे? प्लानिंग कॉस्ट आपके लिए खर्च, सीधे सीधे खर्च। बोलता है प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, यस प्लानिंग आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है। बोलता है समटाइम्स प्लान टू बी ड्रॉन अप टेक सो मच टाइम दैट देयर इज नॉट मच टाइम लेफ्ट फॉर देयर इंप्लीमेंटेशन। बोलता है भाई कभी कभी प्लानिंग करते करते एक्शन का टाइम आ जाता है, ठीक है, और तब प्लानिंग आपका धरा का धरा रह जाता है, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको यह भी चेक करना पड़ेगा कि प्लान विद इन टाइम आपका कंप्लीट हो जाए, तो ये भी एक लिमिटेशन है। अगला बोलता है, और सबसे बड़ी बात तो यही है, प्लानिंग डजंट गारंटी सक्सेस until and unless the implementation or the action is in the proper way, ठीक है। प्लानिंग आपको तब तक सक्सेस की गारंटी नहीं दे सकता जब तक वो काम सही तरीके से होके उतर ना जाए, ठीक है, क्योंकि प्लानिंग आपको सिर्फ काम को सही तरीके से करने का डायरेक्शन दे सकता है। काम जब होगा तभी पता चलेगा कि वो सक्सेसफुली हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब आपने सारी प्लानिंग कर ली लेकिन तभी भी सीने पॉलिस में पकड़े गए, ठीक है, आपने बंक मार के मूवी देखने की सारी प्लानिंग कर ली लेकिन तभी भी सिनेपोलिस में पकड़े गए। प्लानिंग डजंट गारंटी सक्सेस अंटिल एंड अनलेस इट हैज बीन एग्जीक्यूटेड, ठीक है, जब तक ये एग्जीक्यूट, ठीक है, देख के निकल के आप अपने घर पहुंच गए और व्हाट्सएप एक्सचेंज हो गया, तब तक आप नहीं समझ सकते हैं कि प्लानिंग सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, व्हाट्सएप आ गया कि रीच्ड, तो रीच्ड मतलब कि प्लानिंग आपका क्या हो गया, सक्सेस हो गया। हाँ, उसके बाद अगर पकड़े गए तो किस्मत आपकी खराब है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की भी खराब है। उसके बाद अगर कोई नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि काम अगर खत्म होने के बाद पर्सनल लाइफ में आप पकड़े जा सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ में क्या हो सकता है कि आपने जो ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया अगर, तो उसके बाद फिर वो ऑब्जेक्टिव आपके हाथ से छूट जाए, ऐसा कुछ तो नहीं ना होता है प्रैक्टिकली, ठीक है। हाँ, ये पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि दो दिन बाद भी धोप आ जाइए, ठीक है, कि अगला कोई मामा चाचा था वो देख लिया, वो दो दिन बाद आके के बोले कि फलनवा वहां था, ठीक है, तो दो दिन बाद पापा पकड़ के धोप देंगे, वो अलग बात, ठीक है। तो वो पर्सनल लाइफ में हो सकता है, बिजनेस लाइफ में नहीं हो सकता, ठीक, या बिजनेस प्रोसीजर्स में नहीं हो सकता। तो बोलता है प्लानिंग डजंट गारंटी सक्सेस, द सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज इज पॉसिबल ओनली व्हेन प्लान्स आर प्रॉपर्ली ड्रॉन अप एंड इंप्लीमेंटेड। एनी प्लान नीड्स टू बी ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन और इट बिकम्स मीनिंगलेस। प्लान जब तक एक्शन में कन्वर्ट नहीं हुआ वो क्या है, बेमानी है, मीनिंगलेस है, उसका कोई मानी नहीं है।
ठीक है, मैनेजर्स हैव अ टेंडेंसी टू रिलाई ऑन प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान्स. इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट जस्ट बिकॉज अ प्लान वॉज सक्सेसफुल इन द प्रीवियस अटेम्प्ट इट बिकम्स सक्सेसफुल नाउ. ठीक है, एक प्लान जो प्रीवियस अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो गया था, अगर उसी को उठा के कॉपी पेस्ट मार दिया तो वो फिर से सक्सेसफुल हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है. दैट्स व्हाई ये हमेशा लिखता है कि प्लानिंग का ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि प्लानिंग आपको कभी भी ड्यू सक्सेस नहीं दिला पाएगा अंटिल एंड अनलेस द वर्क हैज बीन डन एंड द ऑब्जेक्टिव हैज बीन अचीव्ड. ठीक है, बस लास्ट टॉपिक बच गया इसका, प्लानिंग प्रोसेस. प्लानिंग प्रोसेस हम लोग कल की क्लास में देख करके इस टॉपिक को एंड कर देंगे. ठीक है, पहले हम दूसरा चैप्टर उठा के कंप्लीट करेंगे और तब अगर मेरे पास में टाइम बचेगा बेटा तो हम टाइप्स ऑफ प्लान जो आपके सिलेबस